Now, days after supporting Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in the Haftagate case, Shiv Sena MP Sanjay Rawat has made big claims in party's mouthpiece Samna. Sanjay Rawat claims that Anil Deshmukh got the high-profile post after NCP's R.R. Patil and Dilip Walse refused to accept those posts. In fact, he also questioned Deshmukh's silence on extortion and said that it was not known about Sachin Vaze's crime, that he did not keep a note on Sachin Vaze's controversial past or his history while he was the sitting home minister of the state. On charges of transfer for money, in fact, Sanjay Rawat said that Uddhav Thackeray was kept in the dark over phone tapping calls. BJP, meanwhile, has hit out at the Agadi government there, questioning its stance over Deshmukh. BJP says that on one hand, Sena supports Deshmukh, while on the other hand, they have slammed him in Samna editorial. ये कहना कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, हमें लगता है इसे हम नहीं स्वीकारते। अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक रहे, लगभग 18 साल लगभग उन्होंने राज्य मंत्री और मंत्री के पद पर जिम्मेदारी से काम करने का काम किया। 18 साल मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ये एक्सीडेंटल मंत्री है, ये कहना उचित नहीं। शिवसेना का एक और वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं। यानी अपने ही अखबार में ईमानदारी की पाठ पढ़ाने वाली शिवसेना ये कौन सा संदेश देश को दे रही है? Let's also now take a quick listen to Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, who said that a retired High Court judge will probe Parambi's extortion allegations against him. मेरे ऊपर जो ex police commissioner माजी पुलिस आयुक्त मुंबई इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष 99 पासून मधली 5 वर्ष अपवाद वगळता सरकार मध्ये काम करतोय आणि ते काम करत असताना पवार साहेबांनी नेहमीच साहेबांना गेल्या 50 वर्षाचा राजकीय जीवनाचा अनुभव आहे आणि पवार साहेबांनी कुणाला मंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात आणि त्याच्यामुळं इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थांनी ते केलं तर गोष्ट वेगळी, पण महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्ष आणि तिन्ही पक्षाच्या संबंधित असणाऱ्या मान्यवरांनी एकमेकाला कुठंतरी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून अडचणीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू नये। हाय एव्हरीवन, प्रीती चौधरी हियर। होप यू लाईक दिस व्हिडिओ। फॉर लेटेस्ट न्यूज अँड अनालिसिस, लाईक अँड सबस्क्राईब टू द इंडिया टुडे यूट्यूब चॅनल अँड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आयकॉन टू स्टे अपडेटेड। थँक्यू फॉर वॉचिंग।